फ्रेंड्स, वेलकम टू उन्नति एकेडमी। दिस इज रंजीत। आज मैं आप सबों के सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तीसरा लेक्चर प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। उम्मीद है इससे आप लोग लाभान्वित होंगे। आइए देखते हैं प्रश्न है हमारा। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। इसका आंसर होगा, मान लीजिए Q आवेश है इस पॉइंट पर, O पॉइंट पर Q आवेश स्थित है। यहां से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P जहां Q नोट जांच धन आवेश स्थित है, तो इस आवेश की वजह से इस पॉइंट पर स्थित चार्ज पर जनरेट होने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए वो E है। तो इसके बारे में लिखते हैं कि माना कि O एक बिंदु है जहां Q आवेश स्थित है। O बिंदु से स्मॉल r दूरी पर P एक बिंदु है जहां कैपिटल Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। तो कूलॉम के नियमानुसार इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल F बराबर हो जाएगा 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r इनटू मोड ऑफ Q इनटू मोड ऑफ Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन एक मान लीजिए। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यह हुआ। तो आगे
प्राप्त करें। तो क्वेश्चन है हमारा, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। आइए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। मान लीजिए कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की न्यूनतम दूरी 2L है। इस पर ए भी विद्युत द्विध्रुव के ए बिंदु पर -Q आवेश स्थित है और जबकि बी बिंदु पर +Q आवेश स्थित है। इसका मध्य बिंदु O है। जब O AB का मध्य बिंदु है तो यह 2L ½ में बढ़ जाएगा, यानी कि OA का वैल्यू कितना हो जाएगा small l और OB का वैल्यू क्या हो जाएगा small l हो जाएगा। अब इस अक्ष को आगे x एक्सिस की ओर बढ़ाइएगा। मान लीजिए यहाँ पर इस विद्युत द्विध्रुव को एक्सियल लाइन के अलोंग आगे बढ़ाएंगे तो मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट P है जो कि ये मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तो इस आवेश की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी, यानी कि इवन मान लीजिए इस आवेश की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगा वो इवन है और उसकी दिशा इस ओर है। फिर इस आवेश की वजह से इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगा वो मान लीजिए आप E2 है और उसकी दिशा किधर होगी इस ओर होगी। अभी दोनों के मध्य का कोण जो होगा वो कितना डिग्री हो जाएगा, लाइन का कोण आप जानते हैं 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब E1 और E2 का परिणामी अगर E है तो उसी E का वैल्यू हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो चलिए इसकी भाषा लिख लेते हैं जरा सा। तो इसकी भाषा है, माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की न्यूनतम दूरी 2L है। विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत द्विध्रुव पर आवेश विद्युत द्विध्रुव AB पर आवेश क्रमशः -Q एवं +Q स्थित है। पुनः माना कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर P एक बिंदु जहां विद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो यह आपकी परिभाषा हो गई कि ए भी एक विद्युत ध्रुव है जिसके बीच की न्यूनतम दूरी ये देखिए क्यू है। विद्युत ध्रुव ए भी पर आवेश क्रमशः माइनस क्यू एवं प्लस क्यू है, यानी कि एक पॉइंट पर माइनस क्यू आवेश है और बी पॉइंट पर प्लस क्यू आवेश है। विद्युत ध्रुव ए भी के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर पी एक बिंदु है जहां इस विद्युत ध्रुव के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है और ये बिंदु जो है अक्षीय स्थिति में। चलिए इसके बाद डायवर्जेंस का प्रश्न क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। अब माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर इसको आप इक्वेशन दो मान सकते हैं।
आगे होगा। देखिए पुनः मारा कि पी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई, तो ई बराबर हो जाएगा रूट ओवर ई वन का स्क्वायर प्लस ई टू का स्क्वायर प्लस टू ई वन ई टू कॉस थीटा। अब ये कौन सा फॉर्मूला लगाया जा सकता है, देखिए आपको मैंने बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। अगर ये सदिश राशि है तो फिर सदिश लॉ को फॉलो करेंगे। अगर मान लीजिए वेक्टर चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए का हेड अगर वेक्टर बी के टेल से जुड़ा हुआ हो तो वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड की ओर खींची गई लाइन जो होगी वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिणामी सदिश होगी, यानी कि वेक्टर आर होगी। तो ये वेक्टर आर का अगर मैग्नीट्यूड हमको निकालना होता है, यानी कि इसका परिमाण निकालना होता है, तो आर बराबर फॉर्मूला हो जाता है तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा जो है दोनों सदिश के मध्य का कोण है। अब दो सदिशों का मध्य का कोण कैसे हम लोग पता करते हैं कि क्या होता है, तो देखिए जब दो सदिश का हेड अथवा टेल आपस में जुड़ा हुआ हो तो उनके बीच बने दो कोणों में से छोटा कोण जो होता है उसी को सदिशों के मध्य का कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यही दोनों सदिश की बात करें तो इस सदिश का हेड इस सदिश के टेल से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे हालात में हमको क्या करना पड़ेगा, इस सदिश को आगे की ओर विस्थापित करना पड़ेगा इस कदर ऐसे, ये वेक्टर ए हो गया। आप देखिए ये सदिश ए का टेल यहाँ आ गया, तो सदिश ए का टेल और सदिश बी का भी टेल दोनों यहाँ आके मिल गया। अब इसके बीच जो कोण बनेगा हमको वो हो जाएगा क्या, एक ये कोण हो जाएगा और एक ये कोण हो जाएगा। तो इन दो कोणों में ये छोटा वाला कोण जो है इसी कोण को अगर हम इसको थीटा मान लें तो इसी कोण को बोलते हैं सदिशों के मध्य का कोण बोलते हैं। ध्यान रखिएगा ये बात, इसी फॉर्मूला पर मैंने इसको आगे बढ़ाया है। अगर आप ए के स्थान पर ई वन लेते हैं और बी के स्थान पर ई टू लेते हैं और परिणामी सदिश आर आर के स्थान पर ई लेते हैं तो इस पर ये सेट हो जाएगा। अब जरा सा देखिए ई वन सदिश ये हुआ और ई टू सदिश ये हुआ, दोनों सदिश का टेल देखिए इस पॉइंट पर जुड़ा हुआ है, तो अब इसके मध्य का जो कोण होगा ये और इधर दोनों साइड तो बराबर का कोण है, ऊपर में 180 नीचे में 180, तो किसी भी कोण को आप सदिशों का मध्य कोण ले सकते हैं, तो इसके बीच का एंगल जो होगा वो ये दोनों सदिशों के मध्य का कोण होगा, यानी कि थीटा का जो वैल्यू होगा इसमें हमको 180 डिग्री आ जाएगा। इसमें थीटा जब 180 डिग्री पुट कीजिए तो e बराबर हो जाएगा रूट ओवर e1 का स्क्वायर प्लस e2 का स्क्वायर प्लस 2 e1 e2 cos 180 डिग्री हो जाएगा। ये रूट ओवर आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, e1 का स्क्वायर प्लस e2 का स्क्वायर और cos 180 डिग्री का मान माइनस 1 होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 e1 e2 into माइनस 1। इसको आगे आप बढ़ा के लिखिएगा तो ये हो जाएगा ई वन स्क्वायर प्लस ई टू का स्क्वायर प्लस गुना माइनस बराबर माइनस होता है 2 ई वन ई टू हो जाएगा। ये आगे इसको बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा ई वन, ये चिन्ह लीजिएगा, इस चिन्ह का मतलब होता है कि जो राशि बड़ी है उसमें से छोटी राशि को घटा लीजिए। इस चिन्ह का मतलब आप लोग समरूप
इसका ये मतलब समझिएगा कि जो राशि बड़ी है उसमें से छोटी राशि को घटा देना। मेरे कहने का तात्पर्य यह है यदि इवन बड़ी होगी इटू से तो इवन माइनस इटू कर देंगे, अगर इटू बड़ी होगी इवन से तो इटू माइनस इवन कर देंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ कि इस चिन्ह का इस चिन्ह का मतलब होता है कि बड़ी राशि में से छोटी राशि को घटाना। तो आप लोग को ध्यान में रखिएगा, यहाँ बच्चा कंफ्यूजन कर जाता है, कभी इवन में से इटू को घटाए, इटू में से इवन को घटाए, है ना। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन बड़ा है, इवन बड़ा है या इटू बड़ा है। अगर इवन बड़ा है तो इवन में से इटू करेंगे, अगर इटू बड़ा है तो इटू में से इवन करेंगे। अब इस बात का डिसाइड हम लोग कैसे करेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, वो आगे हम चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा इवन, यही चिन्ह दीजिएगा इटू, है ना, इक्वल टू ये हो गया। अब हम डिसाइड करते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो देखिए अभी अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशन एक और दो में आप देखे थे कि इवन का वैल्यू कितना था, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर था, और इटू का वैल्यू था 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए ये टोटल टर्म दोनों तो एक ही जैसा है, ऊपर में चार्ज भी एक ही जैसा है। अब किससे निर्णय लेंगे कि ये इवन बड़ा है कि इटू बड़ा है? अब ये निर्णय देगा ये डिस्टेंस निर्णय देगा कि इवन बड़ा है अथवा इटू बड़ा है। यहाँ देखिए आर प्लस एल, ये आर प्लस एल, ये इस आर प्लस एल की अपेक्षा ज्यादा है, यानी कि ये बड़ी दूरी है इसकी अपेक्षा। तो ये दोनों में रिलेशन देखिए कैसा है, इन दोनों में रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती का। तो व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन का मतलब हुआ अगर ये ज्यादा होंगे तो ये कम हो जाएंगे, अगर ये कम होंगे तो ये ज्यादा हो जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब हुआ इन दोनों दूरियों में से जो दूरी कम होगी उसकी तीव्रता मतलब छत की तीव्रता ज्यादा होगी। आप देखिए क्योंकि ये दूरी इसकी अपेक्षा कम है तो इसलिए ये जो मतलब छत की तीव्रता है इनटू वो इसके बनस्पत ज्यादा हो जाएंगे। क्लियर हो गए होंगे आप लोग इस चीज से? तो चलिए हम लोग जान गए कि इटू बड़ा है इवन से। क्या जान गए हम लोग कि इटू बड़ा है इवन से। तो अब आप इटू में से इवन को घटा लीजिए। तो बच्चों ई बराबर हो जाएगा आपका इटू माइनस इवन, इट इज इंप्लाइज दैट ई बराबर हो जाएगा इटू का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस फिर इवन का वैल्यू आप निकाले हैं 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, ये काम कहां से किया है? तो समीकरण 1 एवं 2 से ये काम किया है। समीकरण 1 एवं 2 से इटू की जगह इटू का वैल्यू रख दिए, इवन के स्थान पर इवन का वैल्यू रख दिए। अब आगे देखिए आपका ई बराबर हो जाएगा कॉमन आ रहा है कुछ, देखिए 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू क्यू कॉमन आ गया तो अंदर में क्या बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू क्यू। अब इसका एलसीएम निकालिएगा तो हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर इनटू
आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों में इसे डिवाइड कीजिएगा तो ये और ये जैसा कट जाएगा ये बचेगा, इसको इससे आप गुणा कीजिएगा तो यही कट जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस दीजिए, फिर ये दोनों में इससे भाग दीजिएगा ये और ये कट जाएगा, ये टर्म बचेगा इसको आप एक से मल्टीप्लाई कीजिएगा यही टर्म आ जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे क्या होगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू क्यू, ये आगे हो जाएगा आपका इसका वैल्यू 4 आर एल हो जाएगा अपॉन ये ए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आर माइनस एल इनटू आर प्लस एल ये पूरे का स्क्वायर इस कदर आप लिख सकते हैं। अब आप कहिए सर ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर बराबर 4 आर एल कैसे हो गया, तो इसके लिए आप देखिए ये फॉर्मूला आप जानते होंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, इस फॉर्मूला से मैंने इसको हल किया है। तो आगे हो जाएगा आपका 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू क्यू, ये आगे हो जाएगा आपको 2 आर एल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इनटू 2 एल इंटू आर लिख सकते हैं। ये देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला पर चले टूट जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा यानी कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा इसका होल स्क्वायर हो गया। ये बराबर देख लीजिए चूंकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी फॉर्मूला पर इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। अब आप देखिए इसको आप इसके अंदर ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू 2 इनटू ये क्यू को यहां ले आएंगे 2 क्यू 2 एक मिनट ये क्यू को यहां लाते हैं तो 2 क्यू एल इनटू आर हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या होगा, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो E बराबर हो जाएगा आपका 1 by 4 by epsilon naught into epsilon r into, अब देखिए ये 2QL ये P के बराबर होता है, पहले के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि P यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में होता है और उसका वैल्यू होता है 2QL के बराबर, तो इसके स्थान पर हम के P लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2P इंटू आर अपॉन नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ई का वैल्यू इतना आया। अब यहां से केस आता है यदि आर बहुत बहुत बड़ा हो किससे एल से तब एल अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएगा यानी कि आप एल को उपेक्षित कर सकते एल को क्या कर सकते हैं उपेक्षित कर सकते हैं तब जब आर से एल बहुत बहुत छोटा हो, तो ऐसे हालात में एल को आप नजरअंदाज कर सकते हैं यानी कि उपेक्षित कर सकते हैं, उसी को मैंने लिखा है एल अप्रोक्सीमेटली जीरो। अब आगे बढ़िएगा तो क्या होगा, ई इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू 2पी इनटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एल के जगह पर आप इसको तो आप उपेक्षित कर रहे हैं जीरो रखिएगा टर्म हट जाएगा जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा उसमें आर स्क्वायर में जीरो घटाइएगा तो आर स्क्वायर ही रहेगा ऊपर में फिर स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए। आप इसको भी इस प्रकार लिख सकते हैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू 2पी इनटू आर अपॉन आर का पावर 4। अब इसको काटिएगा ये कट जाएगा कितना हो जाएगा आर क्यूब बचेगा, आपका इस प्रकार क्या हो गया 1 by 4 pi epsilon naught into epsilon r into 2p upon r cube, तो इस तरह से ये e का वैल्यू आ गया। तो याद रखिएगा विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है 1 by 4 pi epsilon naught into epsilon r into 2p upon r cube, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ, अगला लेक्चर लेकर के मैं दूसरे दिन प्रस्तुत होऊंगा।